हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। तो गाइस, मैंने एक न्यू गेम डाउनलोड किया जिसका नाम है बैड ग्रैनी चैप्टर 2, और मैंने इसका ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया था। और अगर आपको भी ये गेम डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से डाउनलोड करो। एक्ट 1, अ ग्रैनी इज लिविंग इन योर नेबरहुड, फाइंड अ हाउस एंड कलेक्ट दी आइटम्स यू नीड। तो इसे कंटिन्यू करते हैं। ये गेम शुरू हो चुका है, शायद से हम लोग अपने घर में स्पॉन हुए हैं। अच्छा, बड़ा प्यारा घर है हमारा, भले ही छोटा सा है, बड़ा अच्छा शहर है, एकदम शांत। लेकिन मुझे ग्रैनी और ग्रैंडपा से डर लग रहा है। वो देखो बुढ़िया वहां जा रही है। नाम से ही पता चलता है बैड होगी। तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और ये रहे दादाजी, क्या ये भी हमला करते हैं? मुझे लग तो रहा है, मुझे लगता है इनसे डरना नहीं चाहिए। जाके देखता हूँ उनके पास। ओ हेलो दादाजी, क्या कर रहे हो? क्या घूम फिर रहे हो? ओह, लगता है दादाजी जा रहे हैं दादी जी से मिलने। और लगता है कोई पीछे पड़ गया, लगता है किसी ने देख लिया। ओके, कौन था पीछे? ओह, ग्रैनी ने देख लिया। भागो! ओह, दोनों पीछे पड़ गए, ग्रैंडपा और ग्रैनी दोनों। इन्हें चकमा देना पड़ेगा, घुमा कर लाते हैं और फिर वहीं से भाग जाएंगे ग्रैनी के घर में। जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। और ये रहा ग्रैंडपा का घर और ये रहा ग्रैनी का घर। चलिए घुसते ग्रैनी के घर के अंदर। ओ भाई, सामने ही आम स्टैंड, मुझे लगा कि कोई है अंदर। ओहो, दादी जी तो बड़ी अमीर है, लैपटॉप रखा है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसे भी चुरा लिया। ओहो, बेडरूम भी है, बड़ी सिक्योरिटी के साथ है, इतना बड़ा सीन है। तो जैसा कि ट्यूटोरियल में दिखाया गया था, डॉगी को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। पहले इस टीवी को और चुराए हुए सामान को रख कर आते हैं और फिर उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। पटक लिया और लैपटॉप को भी। दो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमें लाना है ब्लड टू योर होम, एक शर्ट लाना है। तो चलिए चलते हैं। दादाजी वही घूम रहे हैं, डॉगी भी इधर है उनका और दादी जी भी इधर ही है। एक वुडन लॉक पड़ा हुआ है, ऐसे डॉगी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। ओ, दादी जी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। चलते हैं घर में। घर तो बड़ा अच्छा है दादी जी का। और ये रहा उनका कबर्ड। ओ गाइस, जैसा सोचा था, कबर्ड के अंदर ही मिलता है। कुछ लिखा था उसके ऊपर। और ये शूज पड़े, इन्हें भी उठा लेते हैं और चलते हैं वापस से घर और इन्हें रख कर आते हैं। ओ शेट गाइस, दादी जी ने देख लिया। और गाइस, हम लोग बचकर घर से आ चुके हैं। वहीं पर पटकते सारे सामान को। ब्रिंग शर्ट टू योर होम और टेक शूज टू योर होम, ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब लाना है टेक बास्केटबॉल ग्लव्स टू योर होम। तो चलते हैं अब दादाजी के घर में। और दादी जी यहीं घूम रही हैं। ये रहा वुडन लॉक और फिर से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये है फेंका। अब दादी जी, अब चलते हैं दादाजी के घर में। इनका घर दादी जी के घर से कहीं ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पीछे का भी दरवाज़ा है, पीछे के दरवाजे से ही चलते हैं स्नीक करके, कहीं दादाजी ना मिल जाए। यहाँ पर भी एक कबर्ड है, बड़ा आलीशान घर बना रखा है।
तो गाइस यहाँ पर ब्रीफ केस पड़ा है, इसे भी उठा लेते हैं। ओ गाइस एक गेमिंग चेयर भी मिल गया, इसे भी ले लेते हैं और चलते हैं बाहर, वरना अगर दादाजी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ओ गाइस किचन देख लिया हमें, अब सेफ हो चुके हैं, चलते हैं अंदर, से भी रखाते हैं इसे पटका और इस ब्रीफ केस को ही पटकते हैं। अब चलते, ओ शिट गाइस दादाजी ही घूम रहे हैं, कब जाएंगे। ओ गाइस उन्होंने देख लिया, मैंने कितनी बड़ी मूर्खता की, अब इन्हें भटकाते हैं, शायद से घर इसीलिए दिए गए ताकि हम लोग उन्हें भटका सकें। जल्दी जाओ जी, लगता है वो उन्होंने पीछा छोड़ दिया। ये गया दादाजी का घर और डॉगी ने देख लिया। अब चलते हैं अंदर, एक बास्केटबॉल पड़ा है इसे भी उठा लेते हैं। और शिट डॉगी भागने लगा, एक और चीज पड़ी थी उसे भी उठा लिया। इनका डाइनिंग रूम है, बेडरूम से बड़ा तो डाइनिंग रूम ही बनवा रखा है। एक बेसबॉल बैट है यहाँ, इसे भी उठा लेते हैं। और शिट गाइस डॉगी हमारा पीछा कर रहा है। चलते हैं ये सीपीयू को भी ले लेते हैं, अब चलते हैं घर जल्दी से। शायद इस गेम में यही करना होता है बेसिकली, कि हमें दादाजी और दादी जी के घर से सामान चुराना होता है और अपने घर ले जा करके रखना होता है। इसे भी फटका, बड़ी दूर फेंका है। बास्केटबॉल को भी फेंकते हैं, ग्लव्स को भी फेंकते हैं और इस बेसबॉल बैट को भी फेंकते हैं। ओ शिट गाइस दादी जी भी बाहर ही हैं, उनके पास भी एक बेसबॉल बैट है, उन्होंने अभी तक देखा नहीं। ओ शिट गाइस उन्होंने देख लिया, भागते हैं जल्दी, फिर से भटकाते हैं। जल्दी जाइए दादी जी, ये गया एक डॉग भी सामने ही है। अब दादी जी का घर खाली है, चलते घर के अंदर और सामान चुराते हैं। एक सीक्रेट रूम है, दो बेडरूम, किसके लिए बना रखा है, शायद से ये टीवी है, क्या है शायद से गेमिंग कंसोल है, इसके ऊपर एक जॉयस्टिक रखा हुआ है। तो चलते चलते डॉग गाय दादा जी ने भी देख लिया, भागो जल्दी। ओ गाइस हम लोग सेफली पहुंच चुके हैं, ये मैंने कहाँ पटक दिया, ओ यार हाथ में, सॉरी गाइस ये हाथ में नहीं आ रहा है, उसे बाद में उठा लेंगे। चलते हैं पहले बाकी के सामान चुराने के लिए। अब चलते हैं दादाजी के, दादाजी ने देख लिया, पता चल गया इन्हें भी डिस्ट्रैक्ट करना होगा। बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा अच्छा और अट्रैक्टिव लगा कर रखा है ताकि पता चले कि उन्हें हमें देख लिया है। भाग लो, दादी जी भी सामने ही है। चलते हैं दादाजी के घर में और आगे उनके बेडरूम में वापस से, पहले देखते हैं नीचे क्या है और क्या बाकी है। ओह शिट गाइस एक फ्रिज गिरा हुआ, इसे ले सकते हैं। और आ चुके वापस से घर में, ये फ्रिज बड़ी आसानी से चुरा लिया। तो गाइस अगर आपको ये गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।